बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल है 1798 से 1805, 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल। इसका सबसे महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण कार्य में सहायक संधि आता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य में आता है इनका सहायक संधि। सहायक संधि के अंतर्गत इन्होंने बहुत से राज्यों को अपने में मिला लिया, बहुत से राज्यों को जैसे हैदराबाद, मैसूर, तंजोर, अवध, पेशवा, बरार, ये सभी राज्यों को इन्होंने संधि करके अपने में मिला लिया। इनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसके बाद इनके कार्यकाल में हुआ चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, इससे पहले हम लोग तीसरा मैसूर युद्ध देख चुके थे, चौथा मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई, टीपू सुल्तान की हार हुई और उनकी मृत्यु हुई युद्ध के दौरान। और इसके अलावा देखते हैं कि द्वितीय मराठा युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, द्वितीय मराठा युद्ध। इसके बाद 1805 ईस्वी को लॉर्ड बेलेजली को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया, रिटर्न हो गए इंग्लैंड, और उनके जगह में फिर से कार्नवालिस आए। तो हम लोग देखें लॉर्ड बेलेजली का सबसे इंपॉर्टेंट है इनका सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, बहुत से राज्यों को इनमें अपने आप में मिला लिया। इसके बाद कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, चतुर्थ मैसूर युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध हुआ और 1805 में वापस इंग्लैंड चले गए।